सरकार के ओर से है। उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है और जिसमें उन्होंने ये भी कहा है सरकार ने कि एक तो मोदी जी हमेशा प्रचार में ही तल्लीन रहते हैं और जब उनके खिलाफ देश में एक माहौल बन रहा है कुछ ना कुछ नया एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, तो उसमें से ये एक उन्होंने निकाला था। हमने उसको जवाब भेजा है, सरकारी अफसरों को फौजियों को प्रचार में लगाना या प्रचार बनने में उनको एक किसी एक नाम से पुकारना ये ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो मोदी सरकार ने आदेश भी दिया है कि जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरीज, जो भी ऑफिसर जिले में, वो रत प्रभारी बनेंगे और वो सरकार का काम छोड़कर इनका प्रचार करते फिरेंगे। ये कहीं भी ऐसा नहीं होता। आपको अपना प्रचार कराना है तो वहाँ आपके पास तो पहले से आप प्रवीण है कि इसका आपने डीडी का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसका भी इस्तेमाल करते हो। लेकिन आज मैं पहली बार ऐसा देखा किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑफिसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इनकम टैक्स को नहीं छोड़े हैं, फौजी को नहीं छोड़े हैं, गवर्नमेंट आईएएस आईपीएस जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर है उन सबको, यानी जॉइंट सेक्रेटरी से लेके सभी ऑफिसर जो भी है उनको इन्होंने काम दिया है कि आप हर जगह जाओ और रथ यात्रा निकालो और लोगों को बताओ जो सरकार के कामकाज क्या है। सरकार का कामकाज तो उस डिपार्टमेंट के लोग बताते हैं, लेकिन इन्होंने स्पेशल मिलिट्री से लेकर आईटी से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो एक डेमोक्रेसी को कमजोर करने की एक हुनर इन्होंने निकाला है, ये अच्छा नहीं, इसका कंडम हम करते हैं। और इसीलिए मैंने लिख के भेजा है कि लोकतांत्रिक सिस्टम में हम ऑफिसरों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो जिसका स्कीम है वो स्कीम उस इलाके में वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक नया सिस्टम इन्होंने निकाला, तो अब सब लोग जब दूर हो रहे हैं उनसे अब सरकारी अफसरों को यूज कर रहे हैं। सर, आप, राहुल जी, प्रियंका जी सब इलेक्शन स्टेट में जा रहे हैं, धुआंधार रैलियां कांग्रेस कर रही है, काफी होपफुल हैं आप लोग, ये जो 5 स्टेट है इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या अनुमान है कांग्रेस अध्यक्ष का? देखिए, माहौल तो हमारे फेवर में और 5 राज्यों में हम जीतेंगे। एक 5-0 वो ये आज की स्थिति है। लेकिन कोशिश तो हर आदमी करता है, वो भी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे हंसी आती है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में गए, एक बात उन्होंने कहा, मोदी को वोट दो, यानी पार्टी को भी नहीं बोला उन्होंने, या पिछले जो चीफ मिनिस्टर थे उनका भी नाम नहीं बोला कि हमारे नेता यहाँ है या हमारे फौज यहाँ बैठी है, तो वो किसको नहीं बोले। वो ओपनली उन्होंने यही बोला कि आप लोग इस बार मुझे देखकर वोट दो। तो यही तो ये है कि उनकी छवि घट रही है, ये शायद वो लोग ऐसे चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं।